हेलो एवरीबॉडी, वेलकम टू आवर चैनल आर हेल्थ एंड वेलनेस। सो टुडे वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट ओशियंस एंड सीज। ओशियंस की बात करें, लार्जेस्ट वाटर बॉडी ऑन द अर्थ होता है। एग्जांपल्स हो जाते हैं पैसिफिक ओशन, अटलांटिक ओशन, इंडियन ओशन एंड आर्कटिक ओशन। सबसे पहले बात करते हैं पैसिफिक ओशन की, जो कि लार्जेस्ट ओशन है अर्थ पर, डीपेस्ट ओशन है अर्थ पर। जितने भी आइसलैंड्स इस ओशन पर हैं, ज़्यादातर या तो कोरल ओरिजिन के हैं या फिर वॉल्केनिक ओरिजिन के हैं। इसका जो डीपेस्ट पॉइंट है, दैट इज़ मारियाना ट्रेंच, वर्ल्ड का डीपेस्ट ट्रेंच है पैसिफिक ओशन पर। नेक्स्ट आ जाता है इंडियन ओशन। इंडियन ओशन एक ऐसा ओशन है जो कि एक जिसका नाम एक देश के ऊपर रखा गया है, दैट इज़ इंडिया। लेकिन अगर इसकी डेप्थ की बात करें तो ये अटलांटिक ओशन से भी गहरा है। इसका जो डीपेस्ट पॉइंट है, दैट इज़ सुंदा ट्रेंच, जिसको पहले हम जावा ट्रेंच के नाम से भी जानते थे। और नेक्स्ट हो जाता है आपका आर्कटिक ओशन, जो कि स्मॉलेस्ट ओशन है, आर्कटिक सर्कल में है। आर्कटिक ओशन के बीच में नॉर्थ पोल होता है और ज़्यादातर ये पूरे साल फ्रोजन रहता है, क्योंकि यहाँ के टेम्परेचर्स बहुत ज़्यादा डीप रहते हैं, बहुत ज़्यादा लो चले जाते हैं, माइनस पर भी चले जाते हैं। इसका पानी सबसे कम, मतलब इसमें जो सॉल्ट वाटर सॉल्ट कंटेंट है आर्कटिक सर्कल के, आर्कटिक ओशन के पानी में, वो सबसे कम है। और ये सबसे शैलो है, सबसे कम गहरा है सारे ही ओशन पर। नेक्स्ट आ जाता है अटलांटिक ओशन, जो कि सबसे ज़्यादा बिजी रहता है, क्योंकि होता क्या है कि ज़्यादा इंडस्ट्रियलाइज्ड रीजन्स जो हैं वो इसी ओशन पर लोकेटेड हैं। इसका जो डीपेस्ट पॉइंट है, दैट इज़ प्योर्टो रिको ट्रेंच। तो कुछ ऐसे इन्फॉर्मेशन्स हैं इन ओशंस के बारे में जो कि हमें पता होनी चाहिए, ज़्यादातर जीके के एग्ज़ाम्स में या किसी भी एंट्रेंस एग्ज़ाम्स में पूछे जाते हैं। जैसे बरमूडा ट्रायंगल है, कहाँ पर लोकेटेड है? अटलांटिक ओशन पर। नेक्स्ट आता है क्वेश्चन, रिंग ऑफ फायर किस ओशन को कहते हैं? दैट इज़ पैसिफिक ओशन। सबसे ज़्यादा अर्थक्वेक किस ओशन पर आते हैं? दैट इज़ पैसिफिक ओशन। और जो सबसे ज़्यादा वार्मेस्ट ओशन है वर्ल्ड का, दैट इज़ इंडियन ओशन। नेक्स्ट आता है डीपेस्ट पार्ट, तो हमने डिस्कस कर ही लिया है। नेक्स्ट आ जाता है सी की बात करें, तो जो वार्मेस्ट सी ऑफ द वर्ल्ड है, दैट इज़ रेड सी। स्मॉलेस्ट सी ऑफ द वर्ल्ड है, दैट इज़ बाल्टिक सी। और ऐसा सी जिसकी बाउंड्रीज थ्री कॉन्टिनेंट्स को टच करती हैं, दैट इज़ मेडिटेरेनियन सी। लेकिन हमारी अर्थ के टोटल वाटर की बात करें तो लगभग 50% वाटर पैसिफिक ओशन पर है। So that's all for the day. Thank you so much.